खबर चंदौली से है। चंदौली जनपद के सहाबगंज विकास खंड में जिला विकास अधिकारी पद्मकांत शुक्ला ने बुधवार को विकास खंड कार्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मरम्मत कराए गए भवनों का अवलोकन किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान REESJEE अनुपस्थित मिले, जिस पर नाराजगी भी जाहिर की। साथ में पहुंचे पटल सहायकों से अभिलेखों को मांग कर बारीकी से निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त किया। साथ ही साथ अभिलेखों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। DDO पद्मकांत शुक्ल विकास खंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां सर्वप्रथम अनुरक्षण कार्य के लिए आवंटित हुए धन से कराए गए कार्यों का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान मरम्मत हो चुके भवनों को कर्मचारियों को आवंटित होने पर प्रशंसा जाहिर किया। वहीं शेष कार्यों का भी पूर्ण कराने को निर्देशित किया। परिसर में लगे सभी पौधों की नंबरिंग करने के अलावा संपत्ति रजिस्टर में दर्ज कराने को भी निर्देशित किया। साथ ही इस वर्ष के लगे पौधों को भी संरक्षित करने को कहा। विकास खंड परिसर में 2 की संख्या में निष्प्रयोजन हो चुके भवनों को कंडम घोषित कराकर गिराने का निर्देश दिया। वहीं स्टोर रूम में बेकार पड़ी वस्तुओं को सूची बनाकर नीलामी कराने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान विकास खंड में पेंशन आवास शौचालय के साथ सांसद निधि विधायक निधि से जुड़े कार्यों के अभिलेखों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान जो कमियां मिली उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। वहीं साथ में खंड विकास अधिकारी धर्मजीत सिंह के साथ समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। चंदौली से सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन निरीक्षण के अंतर्गत निर्माणाधीन हमारे भवन है, उन भवनों का निरीक्षण किया गया। अभी इसमें से एक जो आवास होने जो हो गए उनका सरकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उसको आवंटित कर दिया गया है। शेष आवास भी मासांत तक पूर्ण करने के लिए दूसरा जितने इस परिसर में वृक्ष हैं सभी वृक्षों पर नंबरिंग करा करके उनको संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। इस वर्ष से कुछ वृक्षाओं पर हुए हैं, उसके बारे में भी सुझाव दिया गया कि उनको भी संरक्षित किया जाए, उससे पेड़ पौधे वृक्ष हुए कार्यालय के भवन की और आवासीय जो भवन है उनका जीर्णोद्धार की कार्रवाई लगभग पूर्ण की जा चुकी है। जहाँ तक कार्यक्रमों के बारे में आपका विकास खंड साहबगंज सभी कार्यक्रमों में अच्छा कार्य कर रहा है। जो कमियाँ कुछ क्षेत्रीय स्तर पर पाई गई है देखी गई है उन कमियों को भी दूर करने का हर संभव और साफ सफाई सजाई सफाई का कार्य चल रहा है और इसको विश्वास है कि